आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, यह हमारा पहला काम होगा। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हर प्रदेश में इस लिस्ट में किसान के परिवार होंगे, मजदूर के होंगे, बेरोजगार युवाओं के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के परिवार होंगे। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। जुलाई में 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक 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 अंदर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा, ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो, इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी क्रेडिबिलिटी गई, खत्म हो गई है, कोई आपकी बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि आप उनके हो, आप हमारे हो ही नहीं, आप जनता के हो ही नहीं, आप किसानों के, मजदूरों के, छोटे व्यापारियों के हो ही नहीं। नोटबंदी की नरेंद्र मोदी जी ने, हिंदुस्तान के सारे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की, प्रेस वालों ने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप बैठे रहे। तो इसीलिए हर महीने खटाखट 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 अंदर जाएगा, और उस दिन तक जाएगा जिस दिन तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। जब परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा तो उसके खाते में यह पैसा नहीं आएगा, मगर उस दिन तक सब गरीबों को हिंदुस्तान की सरकार 1,00,000 रुपए साल का देगी। यहां पे किसानों को प्राइस फिक्सिंग का मुकाबला करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, अदानी जी आते हैं, किसानों को सेब बेचना होता है, प्राइस गिर जाती है, और उसके एकदम बाद जब किसान सेब बेच देता है प्राइस बढ़ जाती है। यह हालत पूरे देश में है। किसान जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, उस पर प्राइस लिखी होती है, मगर किसानों को सेब के लिए, अनाज के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए, धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है। सही बात है ना? इसीलिए पहली बार हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे हैं। और वहां नहीं रुकेंगे, मैंने महिलाओं की बात की, 1,00,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है, किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जैसे उन्होंने अरबपतियों का किया, वैसे हम किसानों का करेंगे। अच्छा, एक बात भूल गया, यहां पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, मैं इनके चेहरे देख रहा हूं, पुरुषों के चेहरे देख रहा हूं, ये देख रहे हैं मेरी ओर, ये कह रहे हैं भैया महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों, हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं? महिलाएं थोड़ी खुश दिख रही हैं, पुरुष सोच रहे भैया बैंक अकाउंट से पैसा हमारे यहां कैसे आएगा, प्लानिंग कर रहे हैं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों, और शायद हिमाचल प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों काम करते हैं, स्त्री और पुरुष मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं। 8-10 घंटे हिंदुस्तान के स्त्री और पुरुष घर के बाहर काम करते हैं, उसके लिए स्त्री को और पुरुष को सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलती है। मगर फिर शाम को स्त्री और पुरुष घर जाते हैं, पुरुष रिलैक्स करते हैं और स्त्री 8 घंटे और काम करती है। मतलब अगर हिमाचल प्रदेश के पुरुष 8 घंटा काम करते हैं दिन में, तो हिमाचल प्रदेश की जो स्त्री है वो 16 घंटे काम करती है। ये शायद पुरुषों को बात अच्छी नहीं लगी। देखिए, ये ताली और बजा रही है, आप थोड़ी ताली कम बजा रही है। इसीलिए हम महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए 8,500 खटाखट 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 डाल रहे हैं। मगर आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं।